નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ ઓલ? સ્ટાન્ડર્ડ 4th સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર, ચેપ્ટર નંબર 19, આર્ટિકલ્સ એ એન ધ. તો આર્ટિકલ્સ કે બારે મે હમ સમજને સે પહેલે ઉસકા એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન લેંગે, જિસમે આતા હૈ કોન્સોનન્ટ ઓર વોવેલ. कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं और वोवेल किसको बोलते हैं, आज हम पहले ये सीखेंगे. तो वोवेल हमको पता है, स्टैंडर्ड 3rd में हमने सीख लिया है. वोवेल कितने होंगे? यस, 5. ए ई आर ओ यू, ये 5 वोवेल्स होंगे. और अल्फाबेट में 26 वर्ड्स में से ये 5 को रिमूव कर दो तो बचे सारे वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम? यस, कॉन्सोनेंट. द वर्ड्स ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के 3 पार्ट है, ए आर्टिकल्स, एन आर्टिकल्स और द आर्टिकल्स. तो चलो हम देखते हैं ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ पे होता है और द का यूज कहाँ पे होता है. We use a before singular noun that begin with a consonant or consonant sound. हम a का use कर सकते हैं पहले तो singular noun, जो noun singular हो उसमें, और begin with a consonant, जो जिस word की शुरुआत consonant से हुई. तो हमने अभी बात की a e i o u के अलावा सारे जो words थे वो कॉन्सोनेंट होंगे. तो यहाँ पे हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं, ए बनाना, तो बनाना वर्ड्स की शुरुआत बी से होती है, तो बी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे आएगा ए. नंबर 2, अमेंगो, मैंगो में एम वर्ड, एम वर्ड हमको कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो मैंगो आगे आएगा ए. तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, अ गर्ल, अ बॉय. ओके चिल्ड्रन, तो देखते हैं रूल नंबर 2. वी यूज द आर्टिकल एन फॉर अ सिंगुलर नाउन विच बिगिंस विथ अ वोवेल. हम एन आर्टिकल का यूज कहां पे कर सकते हैं? एक तो सिंगुलर नाउन विच बिगिंस विथ अ वोवेल, सिंगुलर नाउन तो सही ही, लेकिन बिगिन विथ अ वोवेल, जिस वर्ड की शुरुआत वोवेल के साथ हो उसके साथ हम एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन एप्पल, तो एप्पल की शुरुआत ए से होती है, तो ए वोवेल है, तो एप्पल के आगे हम लिखेंगे एन आर्टिकल. एन ऑरेंज, ऑरेंज की शुरुआत ओ वर्ड से होती है, बिगिनिंग इसका ओ वर्ड से, तो ओ एक वोवेल हुआ, तो ऑरेंज के आगे हम लिख सकते हैं आर्टिकल ए. इस तरह हमको पता चल जाता है कि ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है. वर्ड्स के आगे कॉन्सोनेंट आएगा तभी हम ए यूज करेंगे, अगर वर्ड्स के आगे वोवेल आएगा तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे. रूल नंबर 3, वी यूज एन बिफोर द लेटर एच व्हेन द एच इज साइलेंट. हम एन आर्टिकल का यूज एच के आगे भी कर सकते हैं. तो आपके मन में सवाल आएगा एच तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको डीप में समझ सकते हैं. ए हेड, तो हेड की शुरुआत एच से की गई हो, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं, उसको साउंड करते हैं, तभी हेड यानी कि ह, ह हिंदी में व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए इसके आगे ए. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है,
साइलेंट होता है तो हमको उसके आगे एन आर्टिकल लिखना है। जिसी तरह हमने रूल नंबर 3 देखा, जब एच साइलेंट हो तो हम उसके आगे एन आर्टिकल लगा सकते हैं। इसी तरह रूल नंबर 4, वी ऑल्सो यूज ए बिफोर अ वोवेल प्रोनाउंस एज ए वाई, सो ए यूनिफॉर्म। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ए यूनिफॉर्म। तो चिल्ड्रन आपको ऐसे लगेगा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया यूनिफॉर्म का फर्स्ट वर्ड तो यू हुआ, यू एक वोवेल है तो उसके आगे में एन आर्टिकल नहीं आएगा। नहीं चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड यू से शुरू होता है, यानी य का होता है वाई। समझ रहे हो चिल्ड्रन? तो वाई के आगे हम लिखेंगे ए आर्टिकल्स। इसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरे एग्जांपल भी लिखे हैं, और यूजफुल कहां से शुरू होगा? बोलने में यू, य का होता है वाई, इसीलिए यहाँ पे आएगा ए आर्टिकल्स। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल यूरोपियन, स्टार्ट होता है यहाँ पे ईस्ट से लेकिन हम उसको बोलते हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन बोलते हैं तो य का होगा वाई, तो इसके आगे ए आर्टिकल हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे 4 रूल कंप्लीट किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ए। कंप्लीट द चार्ट विथ ए और एन। हमको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं तो हमें इसको कंप्लीट करना है ए और एन आर्टिकल से। नंबर 1, एलिफेंट। एलिफेंट इसका बिगिन का वर्ब से होता है चिल्ड्रन, वोवेल से, यस। तो ई वोवेल है तो हम यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज करते हैं, एन एलिफेंट। नंबर 2, पिज्जा। मैं पानी आ गया ना पिज्जा का नाम सुनते, लेकिन यहाँ से पी, तो पी कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? यस, ए, ए पिज्जा। नंबर 3, शेफ। तो उसका स्टार्ट मतलब फर्स्ट वर्ड एस, एस यानी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा ए, ए शेल। नंबर 4, ऑनियन। ऑनियन तो स्टार्ट कहां से होता है? ओ से, तो ओ यानी वोवेल, तो नंबर 4 का आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? यस, ए। नंबर 5, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्टिंग कहां से होती है? वोवेल से, यू यानी वोवेल, तो आंसर क्या आएगा? ए। एंड अम्ब्रेला। नंबर 6, आइसक्रीम। किस किस को पसंद है आइसक्रीम? मुझे तो बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की शुरुआत होती है आई, यानी आई वोवेल्स हुआ, तो आइसक्रीम के आगे हम लिखेंगे एन। नंबर 7, होटल। होटल की शुरुआत एच से, यानी एच कॉन्सोनेंट है तो हम लिखेंगे ए, ए होटल। नंबर 8, आईलैश। आईलैश की शुरुआत ई से होती तो हम लिखेंगे आर्टिकल एन, एन आईलैश, यानी ई एक वोवेल हुआ तो वोवेल के पहले हम लिखेंगे एन। नंबर 9, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की शुरुआत यू से होती है तो यू एक वोवेल है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी तो उसका साउंड वोवेल प्रोनाउंस होता है, यानी कि यू, यानी कि वाई, तो हम यूनिवर्सिटी के आगे
ए लिखेंगे। हमने रूल नंबर 4 देखा था, यस चिल्ड्रन, तो यूनिवर्सिटी के आगे आएगा ए। नंबर 10 इनवेलप, इनवेलप की स्टार्टिंग ई से यानी कि वॉवेल से होती है, तो हम लिखेंगे एन। इसी तरह आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, फ्रिज, तो फ्रिज के आगे ए फ्रिज। नंबर 12 बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के आगे यस ए बटरफ्लाई। नंबर 13 थिएटर, तो थिएटर के आगे यस चिल्ड्रन ए ए थिएटर। नंबर 14 ओशन, तो उसके आगे ओ यानी कि वोवेल हुआ, तो नंबर 14 के आगे आएगा एन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।